So hi everyone, welcome to My Prepay, this side Bhavya Taneja, and in today's video I'm going to share a few tips of the verbal ability section. तो मुझे questions आते हैं कि भैया हमारी जो verbal ability है वो weak है, या फिर verbal ability एक ऐसा section है जिसके अंदर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे पढ़ें and कैसे हम उसमें अच्छा score करें, because each section is important. ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको अपना वर्बल एबिलिटी का जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करना है. देखो, पहले ये बात समझो कि वर्बल एबिलिटी जो सेक्शन है आपका, वो सोलली इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है. ठीक है, अब लोग पूछते हैं कि वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें, तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने का एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं. आप बुक उठा लो, न्यूज़पेपर ले लो, कोई भी लिटरेरी मटेरियल उठाओगे उसके अंदर आपको नए वर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसको सारे वर्ड्स आते हों. ठीक है, तो आप एक तो ये तरीके कर सकते हो, उसके अलावा कुछ ऐप्स भी हैं आज की डेट में जो आपको हर दिन एक नया वर्ड बताते हैं, मे बी आप उनको यूज़ कर सकते हो. या फिर जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो यही है कि आप कोई भी एक वर्बल एबिलिटी की बुक लो, क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो, यू विल गेट टू नो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस उन क्वेश्चंस के अंदर जो नए वर्ड्स आपको वो पूछे जा रहे हैं वो आपको डिक्शनरी में सर्च करने, गूगल पर सर्च करने, एंड ट्राई टू यू नो इम्बाइब दोज वर्ड्स इन योर एवरीडे लाइफ, तभी आपकी वो वोकैबुलरी एक्चुअली में इंप्रूव होगी. राइट, तो ये तो आपकी पहली चीज़ होगी जो मुझे आपको बोलनी थी कि प्लीज़ अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो. अब वोकैबुलरी इम्प्रूव करना एक रात का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो अब अगर आप मुझसे पूछोगे भैया लास्ट के एक महीने में क्या करें, तो कोई बात नहीं, आपको अभी भी डाउन फील नहीं करना है, जितनी इंप्रूव कर सकते हो वोकैबुलरी उतनी इंप्रूव कर लो. ठीक है, लेकिन जो लोग अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को पहले, एक साल पहले, दो साल पहले, तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा पढ़ना, जो आपका जो नॉवेल्स हो गई, कोई और चीज़ हो गई, उसको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव उतनी नहीं हो पाएगी. ठीक है, सो ये तो आपकी पहली टिप होगी. दूसरी टिप होती है जो कि मुझे आपको मेन यहाँ पे बतानी थी, अबाउट RC. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है विच कैन बी अ मेकर और ब्रेकर, एंड आपका जो पूरा वर्बल एबिलिटी का स्कोर है ना वो आपका RC पे डिपेंड कर सकता है. मैं बताता हूँ कैसे. सबसे पहले तो आपको RC कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करनी है. ठीक है, आपके पास जो भी सेक्शन है वर्बल एबिलिटी का उसके अंदर यू हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, एंड RC वाले क्वेश्चंस को छोड़ देना. आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी हम लोग अपना स्कूल में एग्ज़ाम देते थे तो स्टार्टिंग का जो आधा एक घंटा होता है उसमें हम लोग थोड़े से काम डाउन होते हैं, हम इतना ज़्यादा अपने आप को यू नो भागते नहीं है. ठीक है, इसलिए होगा क्या, अगर आप RC उठाओगे पहले तो आप आराम से उसको पढ़ोगे, ठीक है, ध्यान से उसको समझोगे, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी है. ठीक है, बिकॉज अगर आप ये करने बैठे यहाँ पे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, एंड आप देखोगे कि आपने मे बी दो RC क्वेश्चन के अंदर ही आपने 45 मिनट्स लगा दिए. ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है. RC को आपको साइड रखना है, एंड फर्स्ट यू हैव टू गो टू द शॉर्ट आंसर्स जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, उसके अंदर फटाफट जो भी आपको आता है, जो वर्ड्स की मीनिंग आते हैं, आप उनको वहाँ पे कर पाओगे, उन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, फटाफट उन क्वेश्चन को करो. जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, आई वुड रिकमेंड कि एक इंटेलिजेंट गेस लेना. ठीक है, एक इंटेलिजेंट गेस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आई नो नेगेटिव मार्किंग होती है, बट थोड़ा सा इसमें आपको खुद से देखना है, एंड यहाँ पे आपका मॉक्स काम आते हैं. अगर आप मॉक्स देखे गए हो तो आपकी एक स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में होगी कि मुझे कहाँ पे एक यू नो तुक्का मारना है, कहाँ पे नहीं मारना है, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी. बट आई वुड से जहाँ भी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चांस है करेक्ट होने का, आई वुड से कि आप एक इंटेलिजेंट गेस लो एंड उसको टिक करके आओ. वंस यू आर डन विद दीज क्वेश्चंस, आपका एक मेजर चंक ऑफ वर्बल एबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा. नाउ यू हैव टू मूव टू द RCs. RCs करने का भी ये तरीका है कि पहले आपको करनी है शॉर्ट RC, उसके बाद कोई आपकी लॉन्ग RC है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दो. ठीक है, बिकॉज अगेन इट विल टेक टाइम. आपने देखा होगा कि जो लास्ट का आधा एक घंटा होता है ना उसके अंदर आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी. राइट, हम लोग कितने फैनेटिकली काम करते हैं, जब हमारा लास्ट का एक घंटा बचा होता है, आधा घंटा बचा होता है, हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ RC लास्ट में करना, आप उस वक्त फटाफट से स्किम कर पाओगे एंड आपका माइंड भी एक हाई अलर्ट स्टेज में चला जाता है उस वक्त पे. ठीक है, स्टार्टिंग में करोगे तो आप उसको स्टोरी पढ़ते रहोगे एंड आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे अपना. ठीक है, एंड ये चीज़ मैंने पर्सनली यूज़ करी हुई है इसलिए मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल वर्क करती है. तो ऐसा कभी मत करना कि RC आप पहले उठा रहे हो. ठीक है, अब देयर कैन बी एक्सेप्शंस, आप बोलोगे नहीं भैया मैं तो RC पहले ही करूंगा. अगर आप श्योर हो अपने ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट फॉर अ मेजॉरिटी मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आपको RC लास्ट में करनी चाहिए. ठीक है, लास्ट में जो RC कर रहे हो तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको RC के क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो आपको नीचे दे रखे हैं ऑलरेडी. ठीक है, उनको एक बार पढ़ लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पैसेज किस बारे में है. ठीक है, फिर फटाफट उस पैसेज को एक बार स्किम करो एंड यू विल ट्राई टू फाइंड अ फ्यू आंसर्स जो आपको मिल जाएंगे. 5 में से आपको 3 आंसर या 2 आंसर तो वैसे ही मिल जाएंगे. एक दो आंसर कोई ऐसे होंगे जो कि आपको डेप्थ में थोड़ा देखना पड़ेगा किसी एक पार्ट को, वो भी पूरी RC को नहीं, किसी एक पार्ट आप समझ जाओगे ये इस पार्ट से ये मेन क्वेश्चन है, तो आप उसको थोड़ा डीपली पढ़ लो. ठीक है, इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि गिविंग मॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिसिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज RC अगर आप ये सब चीज़ें वहाँ पे पहली बार कर रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत आएगी. ठीक है,
तो प्लीज़ RCs को प्रैक्टिस करना, वर्बल एबिलिटी का मॉक्स देना, ठीक है, जो भी आपके पास मॉक्स हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे बाय कर सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर। सो बेसिकली ये कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। सो ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड इन योर वर्बल एबिलिटी सेक्शन। इसके अलावा इसके अंदर और कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप सारे जो भी चैप्टर्स हैं आपके वर्बल एबिलिटी के उनको आप कर सकते हो। एंड हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हमने सारे जो वर्बल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर रखे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो उनको भी आप देख सकते हो एंड यू कैन एनरोल विद अस। सो दैट इज़ ऑल टुडे। आई होप मेरी ये जो छोटी सी टिप थी इससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई और डाउट होता है एंड आप चाहते हो किसी और चीज़ के बारे में वीडियो बनना, तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो प्लीज़ इस वक्त में पूरा अपना फोकस करो एंड अच्छे से पढ़ो अपने एग्जाम्स के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।